बोल मत इतना बार इतना आप मेडिकल आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं एम्बुलेंस मैं अभी खाना लाया गया था यहाँ पर पुलिस वालों के लिए, तो ये अभी गाड़ी जा रही है। यहाँ पर जितने भी हैं सब न्यूज वाले ही भाई लोग हैं, देखिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पर कंटिन्यू है, आप देख सकते हैं। और अभी हमारे भाई लोग खाना खा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, इनके लिए खाना आया है, तो यहाँ पर ये ड्यूटी कर रहे थे तो अभी ये खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर टेम्पो को भी इस तरीके से नुकसान पहुँचाया है, हम देख सकते हैं सुसाइड हो गया है। ये देखिए छतरी चौराहे का नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, छतरी चौराहा। ये देखिए पूरा कर्फ्यू है यहाँ पर हल्द्वानी में इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं यहाँ तो टेबल, ये देखो चेयर तोड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ पर ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है, काफ़ी यहाँ पर तनाव है, पूरा कर्फ्यू है, सारे मीडियाकर्मी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हल्द्वानी का छतरी चौराहा काफ़ी व्यस्त रहता था, आज ऐसा सुनसान पड़ा है। ये देखिए
हमारे डीएम साहब ये देखे इस तरीके से गाड़ी जली हुई है यहाँ पर ऐसे जला दिए गाड़ी को देख सकते हैं नजारा यहाँ देखिए आप ये जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनकी गाड़ी बता रहे हैं। देखो न्यूज़ चैनल वाले की नहीं, खालिद भाई की गाड़ी है, देख सकते हैं हिंदुस्तान चैनल के जो फोटोग्राफर खालिद भाई हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर जला दी गई है। आप देख रहे हैं, ये देखिए आ रहे हैं यार।
रहे तो मतलब बच जा रहे खाना बन बलवंतपुरा से अभी यहाँ पर नेट सेवा बंद है, यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति मिल चुकी है। इस तरीके से नजारा है यहाँ का, देख लो। छावनी में तब्दील हो चुका है हल्द्वानी का शहर बनभुलनपुरा एरिया से। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देख सकते आप यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। यहाँ पर पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सेवाएं पूरी बंद हैं, यहाँ पर सारे पत्रकार बंद हैं और पुलिस ने यहाँ से पूरा अच्छा लाइन बना दिया। यहाँ से अंदर एंट्री नहीं है, नो एंट्री है यहाँ से, यहीं से आपको मीडिया वालों को जाने देंगे। ये देखिए इस तरीके से माहौल है। यहाँ तक आ गए थे उपद्रवी, ये है यहाँ का एरिया। पुलिस की गाड़ियां यहां पर कंटिन्यू यहां पर गश्त करते हुए, ये देखिए सीआईडी की गाड़ी भी है यहां पर। ये देखिए इस तरीके से नजारा, काफी यहां पर एकदम चप्पे चप्पे पे नजर है। देख सकते हैं ये वही एरिया है बनभुलनपुरा मार्केट से थोड़ा मैं इधर को आ चुका हूँ। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल तैनात है, किसी को भी यहाँ से बाहर झांकने की अनुमति नहीं है। ये वही बिल्डिंगें हैं जहाँ कल यहीं से पत्थर गिराए गए थे। ये देखिए ये नज़ारा है बनभुलनपुरा चौकी आ जाता है, सामने पुलिस वाले हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से माहौल है यहाँ, अभी भी यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वही घर है जहाँ से कल लोगों ने पत्थर फेंके थे। आप देख सकते हैं ये छतरी चौराहा का एरिया है और ये यहाँ का एरिया देखो, किस इस तरीके से यहाँ पर नज़ारा है।